क्वेश्चन नंबर वन, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. बच्चे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सॉलिड इस प्रकार से है कि एक हेमिस्फीयर पर कोन खड़ा है, स्टैंड करता है. दोनों की रेडियस सेम है, मतलब कोन की और हेमिस्फीयर की, और हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ कोन. ठीक है बेटे, तो यहां देख पा रहे हैं आप, वही लिख दिया जो दिया हुआ है क्वेश्चन में. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसे आर मान लिया हमने. हाइट ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर, उसे एच मान लिया. हाइट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम बताना है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और इनके फॉर्मूले हम यूज करेंगे. ठीक है बेटे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये बच्चों हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब. फिर ऊपर है ना, और इसमें आप फॉर्मूला बना लीजिए, कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, कॉमन कर सकते हैं बच्चों. तो यहां बचा एच और यहां बचेगा 2R, यहां बचा एच और यहां बचेगा बच्चों 2R. समझ में आ रहा है, वैल्यू पुट कर लीजिए. तो 1/3 पाई आर की वैल्यू 1 है, तो ये 1 स्क्वायर 1 प्लस 2, भाई ये 1 है तो ये 2 × 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों पाई अपॉन 3 × 3, भाई 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 प्लस 2 3, ये कट गया, कैंसिल हो गया ये, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब. ओके, और ये आपका आंसर हो गया.